इस शीतल चांदनी रात में चकोर पक्षियों की यह जोड़ी देखो, देखो इस पूनम के चांद को, कैसे इस चांद की किरणें फूलों के कोमल बदन से बूंद बूंद करके फिसल रही है, और कैसे दोनों इन किरणों का रसपान करके एक दूसरे में डूबे हुए हैं। इन दोनों को देखकर तुम्हें क्या लगता है मानो? इस धरती पर इतने साल बिता दिए किसने, कहीं भी कभी भी एक बार भी इन्हें खाया नहीं। दोनों को पकड़ के अच्छे से नमक मिर्च में डुबो के धीमी आंच में प्यार से तल के खाएं। आह स्वर्ग। ये बताओ तुम्हें क्या आता है? बहुत कुछ आता है प्रभु, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, बंदर बाट, उसके बाद वो तो फिर चिट्ठी खेलना भी आता होगा। दूर से देखा प्रभु, लड़के अपने साथ खेलने नहीं देती। तलवार कैसे चलाते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ, देखो और सीख। तो ऐसे पकड़, ऐसे उठा और ऐसे मारो। ओहो मारो, देखते हैं। देखिए तलवार कैसे पकड़ी है। ये तुझसे नहीं होगा। ए बुद्धू, हम फिर से दिखाते हैं, ऐसे पकड़ना है। वाह वाह वाह, क्या मारा है प्रभु? मैंने? हाँ आपने, आप नहीं तो कौन प्रभु? मैंने बिजली की तरह तेज। शाबाश, हाथी जैसी शक्ति, शेर जैसी गरज, चीते जैसी फुर्ती, गिद्ध जैसी नजर, पूरे के पूरे जंगल के दर्शन हो गए प्रभु। प्रभु तुम हमें पसंद आए, हम तुम्हें भी तलवार। क्या हुआ तुझे? सुबह तो ठीक चल रही थी प्रभु। राजकुमारी देवसेना पधार रही है। आओ देवसेना, इतनी रात गए आई हो तो कोई विशेष कारण होगा। कुमार, सुबह मैं तुम्हारा कारनामा नहीं देख पाई, अभी दिखा दो ना। माने अभी इतना बड़ा कुंदा कहाँ मिलेगा? उधर। अरे किसी ने खंभे के पीछे छुपा दिया। लेकर आ गई। कुंदा तो ठीक है पर तलवार कहीं रहती है। कुमार, हाँ रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। आप जैसे वीरों के वीर जो कार्य सुबह करते हैं वो शाम को दोहराए तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। आप तो ये जानते ही होंगे। क्यों नहीं जानते? बस भूल गए, समय पर हमें याद दिला दिया।